खबर रीवा जिले से है, जहां पुलिस द्वारा एक विशेष कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पुलिस एवं आम जनता के बीच परस्पर संबंध कायम करने के लिए, जन संवाद स्थापित करने के लिए एवं शहर की स्थिति जानने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य रूप से रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह एवं एडिशनल SP सहित CSP नवीन तिवारी सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस कार्यक्रम में संवाद कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि आम जनता व पुलिस के बीच सामंजस्य व संवाद स्थापित करने के लिए एवं बीच बीच में धार्मिक त्योहारों में बैठक करने व शहर की स्थिति जानने के लिए यह आयोजन किया गया। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं आयोजित कार्यक्रम में, जहां पर दिखाते हैं कि पुलिस और जनता के बीच में क्या संवाद हुआ, पुलिस ने क्या उत्तर दिया और जनता ने क्या सवाल पूछा। स्वागत करें थाना श्री कोतवाली के PI, स्वागत थाना श्री कोतवाली अग्रणी श्री रूपलाल के सर, माननीय SP सरकार पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। मैं करवा देता हूँ, करवा देता हूँ, आप स्वागत थाने का है। हमारे बीच में प्रतिष्ठित व्यवसायी मध्य प्रदेश पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर। जानकारी रखें आदरणीय अनिल सोनकर सर। आज के कार्यक्रम का मुख्य विषय पुलिस और आम जनता के बीच परस्पर जनसंवाद कर आपसी समझ विकसित कर समाज में सौहार्द और शांति कायम करना, विभिन्न वर्गों में समय समय पर आपसी बैठक कर अपराधों को रोकने हेतु उचित समन्वय एवं जानकारी साझा करना, सामाजिक बुराइयों जैसे नशाखोरी, प्रतिबंधित सामानों की बिक्री, समाज में वैमनस्य पैदा करने वाले विचारों के रोकथाम हेतु उचित संवाद करना एवं प्रभावी रोक लगाना, पुलिस एवं आम जनता के बीच दूरी को समाप्त करने हेतु पुलिस की छवि में निरंतर विकास हेतु समाज मित्र के रूप में प्रभावशाली नेतृत्व विकसित करना और व्यापारियों और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ उचित फोरम में बैठकर शहर में होने वाली प्रमुख गतिविधियों की जानकारी साझा करना और उचित प्रबंधन करना। पधारे आदरणीय जिला पुलिस अधीक्षक श्री विवेक सिंह सर एवं मंच पर विराजमान हमारे सभी पुलिस अधिकारीगण, समाजसेवी एवं प्रतिष्ठित व्यवसायीगण, आज का यह कार्यक्रम पुलिस जनसंवाद पुलिस और जनता के बीच में संवाद स्थापित कर समाज में होने वाली गतिविधियों पर आपसी विचार विमर्श। इस सभा में उपस्थित पत्रकार बंधु और हमारे सहयोगी कर्मचारी अधिकारी, आज हम सब पुलिस जन संवाद के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और वरिष्ठ अधिकारियों का लगातार ये चिंतन रहा है कि समाज में बेहतर व्यवस्था के लिए और पुलिस को मित्रवत काम करने के लिए बिगर सह अस्तित्व के, समाज के सह अस्तित्व से ये संभव नहीं है। उसी कड़ी में आज हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। पुलिस विभाग निरंतर जो है अधिक से अधिक समय दे करके प्रत्येक अधिकारी से लेकर के हमारा कांस्टेबल स्तर तक समाज की सेवा में लगा हुआ है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में हम अपने जो दायित्व दिए गए हैं उसको पूरा करने में कहीं ना कहीं हम शेष बच जाते हैं, रह जाते हैं। उसमें आपकी आवश्यकता है, हम समाज से मिल करके सही व्यवस्था बनाने के लिए हम ये संवाद आयोजित किए हैं। इसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय आपको
इस संवाद का जो उद्देश्य है और क्या विषय वस्तु है इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। काउंटर वगैरह लगा के और उसको ब्लॉक कर दिए हैं, जिसके कारण आए दिन, किसी भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन सिंधी चौराहे में दो दो तीन तीन घंटे में हर एक घंटे रात जाम ना लगे। स्टेचू चौराहे में दुकान के बाहर पट्टी पे लोगों से, ठेले वालों से, खुंचा वालों से और फ्रूट्स वालों से दुकानदार स्वयं पैसा लेते हैं और उनकी दुकान परमानेंट खड़ी करवाते हैं। ये मेरा निवेदन, इस चीज़ पर विशेष ध्यान दिया जाए, उन ठेले वालों की बजाय अगर उन दुकानदारों के ऊपर ऑब्जेक्शन किया जाए तो शायद इसकी समस्या का समाधान हो सकता है। क्योंकि मेरे हिसाब से ये है कि सबको अपन ने जगह दिया हुआ है और ठेले जो है चला के बेचने के लिए स्थायी रूप से खड़ा करके आलू मंडा समोसा किसी भी दुकान लगा लेते हैं मोमोज वगैरह के, और वो बाकायदे अपनी दुकान के सामने लगवा रहे हैं और उनसे पैसा ले रहे हैं, इस वजह से भी जाम लगता है। और सिंधी चौराहे में बहुत सारी दुकानों के सामने पट्टियाँ बढ़ा ली गई हैं, बोर्ड वगैरह रोड में रखे जाते हैं, काउंटर बाहर लगा दिए। आश्चर्यजनक और मज़ेदार बात हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि समाज में आज हमारे परिवार में, हमारे बीच में कोई भी घटना घटित होती है तो सबसे पहले हम पुलिस की सहायता मिलने की कोशिश करते हैं, पुलिस से सहायता मांगने की कोशिश करते हैं, और सबसे ज़्यादा अविश्वास भी पुलिस के प्रति है। अगर गाहे बगाहे अगर थाने से फ़ोन आ गया तो फिर आदमी ढूंढने लगता है हम लोगों को कि जनप्रतिनिधि कौन है, भैया वहाँ फ़ोन कर दीजिए CSP साहब को, एडिशनल SP साहब को, कई बार तो SP साहब को भी हम लोगों को फ़ोन करना पड़ता है। तो पुलिस मदद भी करती है और फिर पूरे 24 घंटे मदद में आपके लिए तत्पर रहती है, और हमारा जो हमारे मन में पुलिस के प्रति अविश्वास भी है, तो हम SP साहब से हम ये आग्रह करेंगे थोड़ा इस विषय में हम लोगों का मार्गदर्शन करें कि 24 घंटे आप हमारी मदद के लिए तत्पर रहते हैं और न घर देखते हैं, न परिवार देखते हैं, न त्यौहार देखते हैं, और हम लोग जब त्यौहार मनाते हैं तो आप लोग अपनी ड्यूटी करते हैं, उसके बाद भी समाज में पुलिस के प्रति एक जो ये अविश्वास की भावना है, आखिर ये क्यों आई? कहीं भी झगड़ा होगा, छोटी मोटी घटना होगी, कोई हमको परेशान करेगा, कोई फ़ोन आएगा, मोबाइल आएगा, सबसे पहले हम पुलिस के पास जाते हैं कि साहब हमारी मदद करिए, उसने फ़ोन किया, धमकी दिया, हमारा पैसा नहीं दे रहा, हमारी ज़मीन में कब्जा कर लिया, अतिक्रमण कर लिया। तो हमारी उम्मीद रहती, कोशिश रहती कि पुलिस मदद भी करे और फिर पुलिस के प्रति अविश्वास भी है कि साहब वो उसकी मदद कर रही है, उसका पक्ष ले रही है, साहब हमको हमारा फेवर नहीं कर रही, हमारा प्रकरण सही है। तो अडानी SP साहब इस विषय में भी ज़रूर अब हम लोगों का मार्गदर्शन करिएगा कि आखिर